हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएफ का एक बहुत ही बड़ा अपडेट बताने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड, इस अपडेट से अब लाखों पीएफ मेम्बरों को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ईपीएफ ने अपने पोर्टल पर एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया है, जिससे सभी पीएफ मेम्बरों को अब फ़ायदा होगा। इसलिए फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन, जिससे मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियो लाता रहूं। फ्रेंड, अभी कुछ समय पहले ईपीएफओ ने 26 मार्च को एक एसओपी जारी किया था, जिसमें ईपीएफओ ने बताया था। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट दिखाता हूँ फ्रेंड। यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है कि अगर मेम्बर के पास यूएन नंबर नहीं है, अगर यूएन नंबर है तो आधार से सीडिंग नहीं है, या फिर उनकी जो आधार कार्ड की डिटेल है वो मिसमैच होती है पीएफ रिकॉर्ड से, या फिर यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं होता। अगर यूएन नंबर है तो फिर आधार से लिंक नहीं है। इन सारी परेशानियों को देखकर ईपीएफओ ने कहा था कि वो जल्दी एम्प्लॉयर के पोर्टल पर एक नया ऑप्शन ऐड कर देगा, उनको एक ऑप्शन प्रोवाइड कराएगा, जिससे जो भी ऐसे मेम्बर हैं जो अपने यूएन नंबर को लेकर काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे। तो फ्रेंड, वो दिन आ गया है, क्योंकि ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर के पोर्टल पर एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया है, जॉइंट डिक्लेरेशन फिलिंग का। चलिए फ्रेंड, मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले हम गूगल पर ईपीएफओ यूनिफाइड पोर्टल टाइप करके यहाँ नीचे फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यूएन लॉगिन करते हैं, ऐसे जो आपकी कंपनी है और उनके मालिक है या फिर एचआर वाले हैं, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपनी कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करते हैं। फ्रेंड देखिए, कंपनी का जो पोर्टल है वो लॉगिन हो गया है। उसके बाद जो भी आपकी कंपनी के एम्प्लॉयर हैं वो यहाँ पर मेंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पर नीचे उनको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, जॉइंट डिक्लेरेशन फिलिंग का। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद अगर आपके पास यूएन नंबर है तो यूएन नंबर टाइप कर देंगे, नहीं तो फिर मेंबर आईडी से लॉगिन कर लेंगे, जिसको हम पीएफ नंबर बोलते हैं। उसके बाद उनके सामने उस मेंबर की डिटेल्स आ जाएगी, फिर जो भी उस मेंबर की करेक्शन है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करके और इस ऑप्शन पर क्लिक करके रिक्वेस्ट सबमिट कर दी जाएगी, जो सीधा पीएफ ऑफिस में पहुँच जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, जैसे पहले आप रिक्वेस्ट सबमिट करते थे अपने यूएन से लॉगिन करके, तो आपकी रिक्वेस्ट पहले कंपनी के पास जाती थी, फिर जब कंपनी वाले अप्रूव करते थे तो फिर जाती थी पीएफ ऑफिस। अब यहाँ पर आपका एक तो समय बच जाएगा और आपकी रिक्वेस्ट जल्दी अप्रूव हो जाएगी। तो फ्रेंड, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आपके पास यूएन नंबर नहीं है, यूएन नंबर लॉगिन नहीं हो रहा है, या फिर यूएन डिसेबल हो गया है, या फिर यूएन एक्टिवेट नहीं हो रहा है डिटेल्स मिसमैच होने के कारण, तो आप सीधा कंपनी में बात करो। अब आपकी टेंशन ख़त्म, और जो भी आपकी करेक्शन है और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। अगर माइनर प्रॉब्लम है तो आप कोई भी दो डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, और अगर बड़ी करेक्शन करानी है, मेजर प्रॉब्लम है, तो आपको कम से कम तीन डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। उसके बाद जो भी आपकी करेक्शन है वो हो जाएगी। उसके बाद फिर आप केवाईसी करके आराम से ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस अपडेट से बल्कि एक नहीं, अब लाखों पीएफ मेंबरों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब उनको बार बार पीएफ ऑफिस के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर के पोर्टल पर अब एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया है, जिससे जो भी आपकी करेक्शन है वो कंपनी वाले खुद ही आपकी रिक्वेस्ट सबमिट करके ऑनलाइन अप्रूव कर देंगे। तो फ्रेंड, ये गुड न्यूज़ आप सभी पीएफ मेंबरों के लिए थी।